मैं प्रवीण अहलावत हूँ, आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। अब बहुत ही कम समय बचा है और राजनीतिक गतिविधियां हैं तमाम पार्टियों की तरफ से हरियाणा प्रदेश में, वो धीरे 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 लगातार तेजी पकड़ती जा रही है। सबसे पहले लोकसभा चुनाव होने हैं, हालांकि पहले अंदेशा था कि विधानसभा साथ होंगे, लेकिन इसकी संभावना जो है वो कम दिखाई देती है। जहां भाजपा की बात कर ले तो भाजपा भी प्रत्येक लोकसभा पर अपनी ताकत का, शक्ति का प्रदर्शन कर चुकी है रैलियों के माध्यम से। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में भी विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम है वो चला हुआ है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, शायद कांग्रेस अपने आप को पाती है कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा की बजाय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस है शायद अब की बार हरियाणा प्रदेश में वो भाजपा को कड़ी टक्कर है वो दे पाएगी। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहने वाला है। लेकिन इस बीच अटकलें जो लगाई जा रही हैं वो इस चीज़ को लगाई जा रही हैं कि अब की बार क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे किया जा सकता है। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे किया जा सकता है तो ऐसा सूत्र बताते हैं हमारे कि कांग्रेस पार्टी में सात या आठ ऐसे वरिष्ठ राजनेता हैं जो अपनी अगली पीढ़ी, मतलब जो अपने परिवार से जो उनके बेटे हैं उनको इस चुनाव में लॉन्च है वो किया जा सकता है उन्हें। मतलब सीधा सीधा कहें तो 7 से 8 युवराजों की ताजपोशी है वो कांग्रेस पार्टी में अब की बार हो सकती है, उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। अब देखिए, चाहे किसी भी क्षेत्रीय चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, तो भाजपा हर बार एक मुद्दा बनाती है कि कांग्रेस में भैया परिवारवाद है और भाजपा में परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा इस चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की यकीनन कोशिश करेगी कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे फूलचंद मुलाना हो, चाहे करण सिंह दलाल हों, चाहे महम से आनंद सिंह दांगी हों, चाहे आदमपुर से जिन्होंने चुनाव लड़ा था केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ, चाहे वो हों, तमाम कई ऐसे लोग हैं जो अपने बेटों को अब की बार चुनाव में है वो उतारना चाहते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वीरेंद्र राठी जी। बड़ी बारीकी से इस मुद्दे पर या तमाम अन्य राजनीतिक मुद्दों पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं, उनसे इस बाबत जानेंगे। राठी साहब, सीधा सा सवाल है, भाजपा हर बार कांग्रेस पर ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी है वो परिवारवाद को बढ़ावा देती है। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो अब की बार है अपने बेटों को यानी लॉन्च कर सकते हैं, कह सकते हैं कि युवराजों को लाने की तैयारी चल रही है, उनकी ताजपोशी की तैयारी चल रही है। बड़े नाम मैं आपको बता चुका हूँ, महम से आनंद सिंह दांगी हैं वो चाहते हैं, जयप्रकाश है वो चाहते हैं, कर्ण सिंह दलाल है वो चाहते हैं, फूलचंद बुलाना है वो चाहते हैं। तो कैसे देखते हैं इन तमाम बातों को? ये तो निश्चित रूप से ये फैसला हो चुका है कि ये युवराज मैदान में आएंगे, क्योंकि जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने चलाया था तो महम के अंदर हम जो गए तो आनंद सिंह दांगी खुले मन से अपने बेटे बलराम दांगी को आगे करके चल रहे हैं और उनके बारे में बताते हैं कि मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं, संस्कारवान लड़का है, कोई बुराई नहीं है, मेरा भी आपने साथ दिया है, आगे बलराम का भी साथ दो। तो स्पष्ट संकेत उन्होंने दे दिया है कि मेरी जगह पर बलराम दांगी चुनाव लड़ेगा। और जहाँ तक जयप्रकाश का आपने नाम लिया है, जब पीछे जींद का बाई इलेक्शन आया था, जब बीजेपी की फर्स्ट टर्म थी हरियाणा के अंदर, तो जींद के बाई इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टियों में टिकटार्थियों को ढूंढा जा रहा था कि किसको टिकट दिया जाए, तो उसमें जेपी का नाम भी उछला था। तो जेपी ने भी ये संकेत दिया था कि मेरे लड़के को लड़ा दो, शायद विकास नाम है उनके लड़के का। और वो फिर कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला को वो टिकट दे दी गई थी जो सीटिंग MLA थे। और अब की बार जब आदमपुर का बाई इलेक्शन आया तो आदमपुर चुनाव में भी जैसे संपत सिंह से जिक्र किया गया तो उन्होंने भी ये कहा कि अगली जो टिकट है वो मेरे बेटे को दी जाए। इसी प्रकार के कयास जेपी ने भी लगाए कि जी मैं तो कलायत की राजनीति करना चाहता हूँ, आदमपुर की नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं उनका भी ये नीचे पर्दे के पीछे एक बात हुई कांग्रेस हाईकमान से कि आप ये चुनाव लड़ो और कलायत की टिकट जो है वो हम आपके बेटे को दे देंगे। और तीसरी बात, संपत सिंह का जो लड़का है गौरव संपत सिंह, वो भी एक तरह से उन्होंने पीछे एक हाथ से हाथ जोड़ो एक रैली करवाई थी, उसके अंदर उन्होंने कई हलकों से भीड़ जोड़ी, क्योंकि वो 2-3 हलकों से वो MLA रहे हैं, फतेहाबाद से भी रहे हैं, भट्टू से भी रहे हैं और नड़वा से भी उन्होंने लड़ाया चुनाव, तो वो भी अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। और कर्ण सिंह दलाल ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि यूपी का जो पिछला चुनाव था इससे पहले वाला, उसमें कांग्रेस की टिकट से उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था। तो वो भी चाहते हैं कि मेरा लड़का भी आगे बढ़े। और फिर सीधी हुड्डा साहब के साथ तो उनकी रिश्तेदारी है,
इसी प्रकार से फूलचंद मौलाना जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अपने बेटे को आगे कर ही चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला के बेटे के बारे में भी चर्चाएं आनी शुरू हो गई हैं। नरवाणा कैथल के अंदर कोई जनसभा थी, उसके अंदर उसने अपने बेटे को साथ बुलाया था और पब्लिक के सामने उसको एक तरह से इंट्रोडक्शन उनका दिया था। तो इस प्रकार के कयास गलत नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है, अजय यादव जी ने जैसे अपने बेटे राव चिरंजी राव को पिछली बार चुनाव लड़ा करके वह MLA बन भी गई, फिर ये देखते हैं इनमें से कितने सफल होंगे कितने नहीं होंगे। और जहाँ तक मुद्दे की बात है तो दूसरी पार्टियाँ तो इसको परिवारवाद का लांछन के आरोप लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो तो इसको मुद्दा बनाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो चुनाव कंपेन होता ही परिवारवाद के खिलाफ है। लेकिन वो भी अछूती इस बात से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने युवराजों को आगे कर रहे हैं। हम हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों की बात नहीं कर रहे। इसमें आप आदित्य धनखड़ के बारे में देखिए कि ज़्यादातर प्रोग्राम में उनके पिताजी नहीं जाते हैं तो वो जाते हैं, तो एक तरह से आगे की पीढ़ी तैयार की जा रही है। रामविलास शर्मा जी भी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका भी कहीं मन में ये विचार है कि भाई मेरे बेटे को आगे लाया जाए। धर्मवीर सिंह सिटिंग MP हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से, कहीं ना कहीं उनके बारे में मीडिया में कई बार खबरें छपती हैं कि भाई धर्मवीर सिंह ने राजनीति बहुत कर ली, ये भी चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा कहीं कहीं से चुनाव लड़े। तो ये तो हर पार्टी में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जो ये 7-8 नाम हमने जो चर्चा की है, ये निश्चित रूप से हम देखेंगे चुनाव मैदान में हमें दिखाई देंगे। चलिए मान लेते हैं कि 7 से 8 युवराज है जिनकी ताजपोशी की कांग्रेस की तरफ से तैयारी चल रही है, तो इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या दीपेंद्र हुड्डा को आगे प्रोजेक्ट करने के पीछे ये भूपेंद्र हुड्डा सोचते हैं और इस तरह की तमाम चीज़ें होने वाली हैं? देखो, अगर गहराई से हम सोचें तो इसके पीछे रीजन यही मैं मानता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है, वो ठीक भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। आज जितनी भी जनसभा कांग्रेस की होती हैं वहाँ दीपेंद्र हुड्डा के CM के नारे लगते हैं, ना कि भूपेंद्र हुड्डा के। तो जब बाकी नेता भी फिर ये सोचते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को CM जब प्रोजेक्ट हुड्डा साहब कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, तो क्यों ना फिर इसके साथ साथ जो युवा जोश है और युवापने के कारण, युवा तरुणाई के कारण, कि हमारे बेटों को भी एक पॉलिटिक्स में उतारने का एक अच्छा समय वो मानते हैं, ताकि दीपेंद्र के साथ ये कंधा मिला करके चलें और जो उमंग जो जोश जनता के अंदर आए उसमें सभी की नैया पार हो जाए। कांग्रेस को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखो, दोनों बातें हैं। अगर दूसरी पार्टियां इसको बड़ा मुद्दा बना पाई तो कहीं कहीं नुकसान भी होगा, लेकिन वो पार्टी भी हमने पहले चर्चा की, वो अछूती नहीं है, वो भी कहीं कहीं इसी फील्ड में है और उनकी भी सोच यही है कि अपने युवराजों को, अपने पुत्र पुत्रियों को आगे निकालें। राव इंद्रजीत को आप देख लीजिएगा, वो भी अपनी बेटी आरती राव के लिए टिकट मांग रहे हैं, पीछे नहीं मिली, अब की बार उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बेटी को टिकट देगी। तो ऐसे आरोप वो उस पार्टी पर लगाएगा, वो उस पर लगाएगा, लेकिन ये तो पब्लिक जनता ने सोचना है, जनता इस चीज़ का निर्णय ले कि क्या ये परंपरा सही है, क्या हम इसको आगे बढ़ाएं, क्या इनको हम चुनें नहीं चुनें। अगर जनता के मन में कहीं आक्रोश आ गया कि भाई ये तो इतने साल से हम इस नेता का साथ दे रहे हैं, तड़के इसके लड़के का साथ दें या इसकी लड़की का साथ दें, फिर ये 20-25 साल और, तो इसका मतलब 60-70 साल तक इन्हीं के परिवार में ये MLA की कुर्सी रहनी चाहिए, बाहर नहीं जाए, वो तो जनता की एक सोच है। हालांकि देखिए, चौधरी वीरेंद्र एक अपवाद हो सकते हैं, जिसमें मतलब भाजपा की पॉलिसी है कि आप एक को ही टिकट है वो दे सकते हैं, जिस तरह भव्य बिश्नोई है तो कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया। चौधरी वीरेंद्र को अगर छोड़ दें तो भाजपा की साफ सी पॉलिसी है कि परिवार में एक को ही टिकट मिलेगा, लेकिन शायद कांग्रेस में तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा शायद। नहीं, कांग्रेस में तो ये सेटिंगबाजी चलती रही है। आप सरूती चौधरी मेंबर पार्लियामेंट थी, उनकी माँ तो शाम से MLA थी, दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से मेंबर पार्लियामेंट थे, पिताजी उनके चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के, तो प्रदेश स्तर पर कांग्रेस पार्टी में इन बातों में ज़्यादा अड़चनबाजी नहीं रही है। जैसे अब भारत में भारतीय जनता पार्टी में भी आप देखोगे, जैसे वरुण गांधी भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी माँ मेनका भी है, दोनों BJP हैं, राजनाथ सिंह खुद डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनका लड़का जो है नोएडा से BJP का विधायक है। तो ये बातें तो हर पार्टी में हैं, लेकिन कांग्रेस इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानती। जहाँ तक प्रदेश की बात है, भारतीय जनता पार्टी में वीरेंद्र सिंह डूमरखा आप सही कह रहे हो कि वो ऐसे रहे हैं जो सेंटर में मिनिस्टर भी बने, फिर उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा, अपने बेटे को MP की टिकट दिलवाई और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता को उचाणा से वो MLA की टिकट भी मिली। अगर दीपक बाबरिया जो प्रदेश प्रभारी हैं हरियाणा प्रदेश के, उनके बयानों को देखा जाए तो दो तीन दिन पहले उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि कोई कोटा सिस्टम नहीं चलेगा,
ना कोई हम ऐसी पॉलिसी लाने की कोशिश करेंगे सिफारिश से टिकट दी जाए, टिकट उन्हें दी जाएगी जो मेहनत कश लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रभारी के बयान आ रहे हैं, जो भूपेंद्र हुड्डा साहब जो पॉलिसी करने की कोशिश कर रहे हैं वो मेल हैं, वो नहीं खा रहे हैं। तो क्या आसान होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए इन तमाम लोगों को फिर टिकट दे पाना? देखो, अगर इतना आसान होता तो पिछले चुनाव में भी हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। पिछली बार भी यही कारण रहा, कहीं आपके कुलदीप बिश्नोई ने, कहीं आपके अशोक तंवर ने, कहीं कुमारी शैलजा ने कुछ ऐसे आदमियों की टिकट कटवाई लास्ट समय पे जो चुनाव जीतने के योग्य थे, और कांग्रेस की टिकट उनको नहीं मिल पाई तो बतौर इंडिपेंडेंट गए या दूसरे के पक्ष में गए, उस कारण से कांग्रेस सत्ता से बाहर रह गई। वरना जो हम 40 सीटें आज बीजेपी की देख रहे हैं, हो सकता है कि इतनी संख्या कांग्रेस पार्टी की होती। और उसी प्रकार के इतिहास को फिर से हमें लगता है कि दोहराया जा रहा है, वो प्लांटेड है या कोई गहरी साजिश है या दूसरा गुट भी इतना हैवी है जो हुड्डा के पैरेलल खड़ा है, जिसमें किरण भी है, रणदीप सुरजेवाला भी है, और जिसमें कुमारी शैलजा भी है, और जैसे यहाँ का प्रभारी बदला गया तो बाबरिया जो प्रभारी बने हैं और वो तो बार बार ऐसा बयान दे रहे हैं, दूसरे नेता कह रहे हैं कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, लेकिन जिस पार्टी की इमेज अच्छी हो जाती है जनता के अंदर वो कहती जरूर है कि हम सर्वे करा करके टिकट देंगे, लेकिन 100% टिकटें सर्वे के आधार पर नहीं दी जाती, उसमें गुडविल अपनी मानी जाती है। आज बाबरिया के आगे कुछ नेता ये जा करके शिकायत करते हैं, जो हमें कल छोड़ के गए थे वो नेता दोबारा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं की टिकट की यहाँ की जा रही है। तो हमारे जो पुराने वरिष्ठ साथी जो निष्ठावान थे, वो जो हमारे साथ जुड़े रहे, उनको टिकट क्यों नहीं दी जा रही? लेकिन वोट बैंक देखा जाता है। अगर इन लोगों को मान लीजिए दे दिया जाता है तो क्या डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान भी ये दावा करेंगे? रघुवीर सिंह कादियान की जहाँ तक चर्चा है कि इनका लड़का तो राजनीति में इंटरेस्टेड है नहीं, वो दूर है राजनीति से, तो कहीं ना कहीं एक कयास जरूर लोगों में चल रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी पुत्र वधु के लिए ये मांग कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं। ये तो आखिरी चुनाव के नाम पे बेरी से उम्मीद है कि डॉक्टर रघुवीर कादियान ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन महम से ये निश्चित है कि बलराम दांगी चुनाव लड़ेंगे, आनंद सिंह दांगी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, भारतीय राजनीति की परिपाटी में राठी साहब अगर बात की जाए तो अगर ऐसे होता है तो एक शब्द काफ़ी प्रचलित होता है कि ये तो भैया युवराज है, चांदी की चम्मच लेकर है वो पैदा हुआ है। तो क्या जो मतलब जो नेता हैं, अगर उनके बेटे चुनाव में आते हैं, क्या वो लोगों से सीधा कनेक्ट कर पाते हैं? क्या इस तरह का सामाजिक सरोकार का जुड़ाव है? क्या जनता उनसे भी महसूस कर पाएगी? देखो, उसमें दोनों बातें हैं। वो अक्षेत्रवाद के ऊपर बात चलती है कि एक परिवार ऐसा है जिसने इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा काम किए और उन कामों के आधार पर वो अपने बेटे को उठाए, अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतारे या खुद आए, तो जनता जुड़ करके चलती है कि भाई इसके पिताजी ने ये हमारा काम किया था। वो शर्म के हिसाब से लगा लो या ज़्यादा क्लोज एक दूसरे के वो हो जाते हैं, उस हिसाब से 90% लोग तो रहते हैं साथ। लेकिन इस चीज़ को झुठलाया है किसने? आपके बेरी की जनता ने, जहाँ प्रोफेसर शेर सिंह सबसे आदरणीय और सम्मानित और धुरंधर नेताओं में रहे हैं, उनके भाई ओम प्रकाश बेरी बड़े ईमानदार, बड़े निर्भीक और बड़े अच्छे विधायकों में उनकी गिनती आज तक हो रही है। लेकिन उनका बेटा जब बेरी से चुनाव, दो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से हार गए, तो इस बात को कहीं ना कहीं यहाँ की जनता ने तो स्वीकार नहीं किया, युवराजों को तो उनको युवराज के नाम पे स्वीकार नहीं किया, या रघुवीर कादियान ने उनसे भी अच्छे काम कर दिखाए, तो इसका तो हम ये मानेंगे कि जनता इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और विक्रम कादियान का भी जो वोट बैंक है वो उनके पिता की छवि, उनके ताऊजी की छवि और कुछ भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है, तो अपनी छवि को हर परिवार जो है ना अपने इलाके के अंदर बरकरार रखे हुए है, तो उनके पीछे अपना वोट बैंक है, जो उनका 15 से 20 हज़ार का पर्सनल वोट बैंक है वो कहीं डिग नहीं पाता है, और उसी के बलबूते पर ये पार्टी के अंदर दबदबा दिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि हमारा इतना वोट बैंक हमारा स्थाई है, तो इसलिए इस आदमी को, मेरे परिवार के इस आदमी को चुनाव लड़वा दिया जाए। एक तो बात हो गई युवराजों की ताजपोशी की, दूसरी बातें ये चल रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल क्या कर रहे हैं, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जाके कुछ ऐसे निर्दलीय चेहरों को बतौर है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसको हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा निर्दलीय चेहरों के तौर पर है वो उतारने की कोशिश करे चुनाव मैदान में, इसके पीछे का क्या मकसद है वो आपको लगता है? देखो, आज हल्के के अंदर पूरे हरियाणा में आप देखोगे, आप रोहतक झज्जर सोनीपत को छोड़ दो, क्योंकि ये तो हुड्डा साहब का गढ़ माना जा रहा है, और यहाँ बेरी से जैसे कांग्रेस की कोई दूसरा टिकट की लाइन में नहीं, इसी प्रकार से महम में नहीं, इसी प्रकार से झज्जर में नहीं, तो केवल एक भादरगढ़ में हम मानते हैं एक राजेश जून को, जो राजेंद्र जून के पैरेलल टिकट की डिमांड कर रहा है, रोहतक में कोई नहीं, कलोई में कोई नहीं, लेकिन
इन तीन जिलों के बाहर का जो हरियाणा है उसमें 5-5, 6-6 आदमी एक एक हल्के से कांग्रेस पार्टी का टिकट मांगने वाले हैं, और उनमें से 2-3 बहुत ज़्यादा मजबूत हैं जो अपनी पब्लिकली भीड़ भी दिखाते हैं, लेकिन सबको तो टिकट नहीं मिलेगी, उस 5-6 में से टिकट एक को मिलेगी। तो कई टिकटें ऐसी भी होंगी जिसको भूपेंद्र हुड्डा जी चाह रहे हैं उनको नहीं मिलेगी, वो दूसरा ग्रुप ले जाएगा जैसे पीछे हुआ था। तो अब की बार मैं मानता हूँ कि हुड्डा साहब ऐसे मानेंगे नहीं, जो इनको विनिंग कैंडिडेट लगेगा, अगर बाई चांस पार्टी ने इनके कहने पर टिकट ना दी, अगर वो चुनाव मैदान में आ गए तो इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं हुड्डा साहब उनको इशारा कर सकते हैं अपने समर्थकों को कि भाई इनका आप साथ दो। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल होगा राठी साहब आपसे, जैसे बड़ौदा उपचुनाव में इंदुराज भालू को जो टिकट दी गई थी तो बड़ा अच्छा मैसेज गया था हरियाणा प्रदेश की जनता में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक आम किसान परिवार के बेटे को टिकट दी है, और हरियाणा कांग्रेस में एक आम आदमी भी है जिसको टिकट दी जा सकती है, राजनीति में चुना जा सकता है। तो अगर इतने युवराजों की मान लीजिए ताजपोशी होती है तो हरियाणा प्रदेश की जनता में क्या ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस से जुड़ना चाहिए, या कांग्रेस से जुड़ के भी आप इतनी ऊपर तक चंडीगढ़ विधानसभा तक आप जा सकते हो, वो क्या पॉजिटिव मैसेज मानते हैं आप, जाएगा? नहीं, ये मैसेज मैं नहीं मानता, ये जाएगा। अगर ये मैसेज जाए तो इसमें तो सबसे बड़ा मैसेज तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को जाना चाहिए, जिसने किसी मिस्त्री को, किसी रेडियो ठीक करने वाले को, किसी टेलीफोन ठीक करने वाले को, किसी रिक्शा चलाने वाले को, किसी रेहड़ी वाले को टिकट दे करके MLA बना दिया, MP बना दिया, राज्यसभा में भेज दिया, और 2-2 बार दिल्ली के अंदर 3-3 बार रिपीट कर दिया, और पंजाब के अंदर क्लीन स्वीप कर दिया। इस प्रकार का क्रेडिट दो तो आप उनको दो, और ये इस प्रकार का ये बात जो आप कर रहे हो ये तो बाई चांस कई बार क्या होता है कि वहाँ सबको बता कि बड़ौदा की टिकट इंदुराज को कैसे मिली, क्योंकि वहाँ जो श्री कृष्ण हुड्डा जी गुजर गए थे उनका बेटा था अजीत, तो वो बाहर के हल्के से थे कृष्ण हुड्डा जी, बार बार हुड्डा साहब ही रिक्वेस्ट करके उनके लिए अपील करते थे, उनकी डेथ हो गई तो उनके लड़के को ये दिलाना नहीं चाहते थे, ये टिकट दिलाना चाहते थे बड़ौदा हल्के के निवासी को, उनकी पुरानी मांग भी चलती आ रही थी। और वहाँ से डॉक्टर कपूर नरवाल जो पहले दूसरी पार्टियों में थे, लास्ट में उन वो हुड्डा साहब से उनकी बात हो गई थी और वो हुड्डा साहब उनकी पैरवी कर रहे थे, तो पैरेलल शैलजा जी बैठ गई, ये प्रदेश अध्यक्ष थी, इन्होंने कहा कि जी इन्होंने पार्टी कल ज्वाइन की है तो आप इसको किन को कैसे टिकट दे रहे हो, आप किसी कांग्रेस को ही दो। तो उसके बाद आनंद फानन में फिर वो टिकट दी गई थी, और राजनीति बड़ी विचित्र सा खेल खेलती है, जैसे रणदीप को MLA होते हुए रणदीप को जींद से चुनाव लड़ाया गया, तो सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा जी को इसलिए लड़वाया गया था कि इनका इलाका पड़ता है, इनकी देखा जाएगा कितना दम बाकी है, वही दम देखने के लिए कहीं विरोधी गुट ने भूपेंद्र हुड्डा जी को उलझाया था बड़ौदा उपचुनाव में कि एक ऐसे आदमी को टिकट दिला दो और ये हुड्डा साहब की जिम्मेवारी, और बाई चांस वो जिता भी लाए तो उनकी इमेज बरकरार हुई। यहाँ पार्टियाँ जुड़ती हैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत हित को देख करके, लोग जुड़ते हैं पार्टियों से, ये भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोग नाराज़ हैं तो ऑटोमेटिकली उनका विकल्प जो हो कांग्रेस है, और कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान इसलिए बढ़ रहा है। अगर जो वहाँ तक आप बात कर रहे हो कि आम आदमी को टिकट देना, तो वो क्रेडिट तो अगर जाए तो फिर तो केजरीवाल के हवा भी हरियाणा में आ जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पा रही। बात करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र राठी साहब थे। तो आज का मुद्दा हमारा ये था कि कांग्रेस जिन युवराजों की ताजपोशी करने की कवायद में 2024 के मुख्य असेंबली चुनाव में जुटी हुई है, उसका क्या पॉजिटिव परिणाम जाएगा, क्या नेगेटिव परिणाम जाएगा, और वीरेंद्र राठी साहब के साथ चर्चा में आपने ये तमाम बातें सुनी। अब कई दिनों से हम ये डाटा एकत्रित कर रहे थे, राठी साहब भी ये डाटा हैं पूरी तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हम हर रोज़ या एक दो दिन के बाद हर मुद्दे पर पूरी गहन रिसर्च करके आपको तमाम बातें बताएंगे, जिसमें कि हम ये भी बताएंगे कि सुरजेवाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी मैटर चला हुआ है, क्या अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन करने से फायदा होगा या नहीं होगा, ऐसी कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहां पे कांटे की टक्कर है, ऐसी कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहां आज लगता है कि भाजपा ऊपर है, कांग्रेस ऊपर है, तो तमाम डीपली जो राजनीति की गहराई की बातें हैं वो हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए तब तक सबकी खबर TV।